सो वेलकम टू द फिश रूम। और आज मैं बताना चाहूंगा ये छोटे छोटे से प्लग्स यहाँ पे क्यों दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फोटो टैंक्स का मतलब अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस, बहुत सारी साफ सफाई करनी पड़ती है, बहुत सारे वाटर चेंजेस करने पड़ते हैं। सो दैट्स वाई मैंने इसमें एक वाटर चेंजिंग सिस्टम बनाया जो कि ऑटोमेटिक है। राइट, सिंपल सा सिस्टम है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि पानी गिर रहा है। राइट, सो अब ये पानी कहाँ से आ रहा है? सो पानी आ रहा है यहाँ से, जो कि मेरे इंडोर 1000 लीटर की टैंक्स है, जो कि इतनी बड़ी है और बहुत सफिशिएंट है मेरे एक्वेरियम सेटअप के लिए। इनलेट आउटलेट के अटैचमेंट्स मैं लगा चुका हूँ। इसके बाद मुझे लगाना है अंदर में एक स्टॉप वॉल जो कि पानी को रोकेगा और पानी वेस्ट होने से बचाएगा। इसका मैकेनिज्म इतना सिंपल है कि जैसे ही टैंक फिल होती है तो ये पानी आना बंद हो जाएगा। सो मैं चढ़ गया हूँ टैंक के ऊपर, जहाँ पे एक इनलेट है और एक ओवरफ्लो है। यहाँ पे दो तरीके से पानी आते हैं, एक मोटर से एंड दूसरा नॉर्मल वाटर सप्लाई से। ये है टैंक का आउटलेट जहाँ पे एक वॉल लगा हुआ है ताकि इफ इन केस मुझे कभी पानी बंद करना पड़े तो मैं उसे बंद कर सकता हूँ। एंड दूसरा है एक डस्ट कलेक्टर या फिर आप फिल्टर बोल सकते हैं। अगेन सारी के सारी फिटिंग्स मेरे ही हाथ से हुई है, तो यहाँ पे मैं मार रहा हूँ ड्रिल ताकि पाइप्स को इजीली एक रूम से दूसरे रूम पर वाटर सप्लाई दे सकूँ। प्लम्बिंग में थोड़ी मेहनत तो लग सकती है, बट इट इज़ अ वन टाइम टास्क, तो आपको सिर्फ एक ही बार मेहनत करनी है और आपको उसके बाद उस पर ध्यान भी नहीं देना है। पाइप की फिटिंग करने के बाद वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जहाँ पे मैंने कुछ आउटलेट्स छोड़े हैं। एक और आउटलेट यहाँ पे है जो कि यहाँ जाता है। वी हैव ऑल द वे इतना सारा पाइप जिसके हेल्प से मैं कर पाता हूँ सारे के सारे वाटर चेंजेस। सो दैट्स वाई ये चीज है यहाँ पे। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि ये लोहे का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है और मैंने इसे किस तरीके से पेंट और स्क्रब किया है। सारी चीजें पता चलेगी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू योर वाटर चेंजेस एंड हैप्पी फिश कीपिंग।